आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ कटलेट की रेसिपी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो उसके लिए पहले हम आलू और ब्रेड का मिक्सचर बना के रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चार ब्रेड ली हैं, ब्रेड की किनारी मैंने निकाल दी है। तो इसे इस तरह से क्रश कर लें। क्रश करके ब्रेड का चूरा बना के रेडी करना है हमें। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें हम ऐड करेंगे आलू। तो आलू, दो आलू लिए हैं मैंने। आलू मैंने उबाल लिए थे, उबाल के इसे मैश कर लिया था। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच मटर के दाने, 2 चम्मच स्वीट कॉर्न, 2 चम्मच प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ। अब डालेंगे इसमें आधी चम्मच हरी मिर्च, यानी कि 2 हरी मिर्च, 2 चम्मच ग्रेटेड करी हुई गाजर, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, आधा चम्मच डालेंगे काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे चाट मसाला, 2 चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लावर, आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला, हरा धनिया डालेंगे ऊपर से। अब इसे मिक्सर को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका डो बना के रेडी कर लेंगे हम इस तरह से। इसे मिलाते हुए इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर आधा छोटी चम्मच। तो ये देखिए इसका डो रेडी हो चुका है। हाथों को हम साफ़ कर लेंगे और साफ़ करके इसमें लगाएंगे ऑयल और मिक्सचर लेंगे थोड़ा सा हाथ में। इस तरह से इसे पैटी का शेप देंगे हम कटलेट को। तो आप चाहें तो इसे कोई और भी शेप दे सकते हैं। तो सारे कटलेट बना के इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। तो अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें एक एक करके कटलेट डाल देंगे हम। तो कटलेट डालने के बाद गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे हम। तो इसे एक तरफ से सिकने दें, पहले चेक कर लें। इस तरह से गैस का फ्लेम लो मीडियम ही रखें। तो जब ये एक तरफ से सिक जाए तो इसे पलट दें। गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे तलें। तो देखिए इसमें गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे बाहर। तो कटलेट हमारे रेडी हो चुके हैं, ये देखिए। तो अच्छा लगा हो मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।